दीपावली खत्म होते ही छठ महापर्व को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग इसके लिए तैयारियों की शुरुआत में लग गए हैं। यूपी बिहार से सटे राज्यों में इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, तो यहाँ भी छठ पर्व को बड़ी ही आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। समय के साथ साथ ये और भी बड़े पैमाने पर आयोजित होने लगा है। पूर्वांचलियों के इस महापर्व में किसी प्रकार की असुविधा और कमी न रह जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार लगभग 1000 छठ घाटों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी ने छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई विधायकों और विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आतिशी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी छठ पूजा आयोजन समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय करें और छठ घाटों को तैयार किए जाने के कामों में तेजी लाकर अन्य व्यवस्थाओं को भी मुहैया करवाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अंतिम समय में किसी प्रकार की कमी न रह जाए या श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए आयोजक समिति से सुझावों को लेकर उनके अनुरूप छठ घाटों को तैयार किया जाए और घाटों पर साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूरे श्रद्धा भाव से इस महापर्व को मना सकें। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, छठ पूजा को लेकर दिल्ली में जगह जगह तैयारियां की जा रही है। इस बार भी 1000 से ज्यादा जगह छठ पूजा का आयोजन होगा। यमुना के पानी में गंदगी पर उन्होंने कहा, उसको लेकर भी टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह की और भी न्यूज अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।